गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक आपने जो स्टार्ट किया था, क्या नाम था बेटा? गुड, अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव को निगेटिव सेंटेंस में बदलना। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना, यही टॉपिक चल रहा था। इसके थ्री रूल्स हम लोग पढ़ चुके थे और थ्री रूल्स आज हम लोग पढ़ें, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो अगला नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर ये कौन सा होगा बेटा? फोर। अगला रूल को हम बताते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री में परिवर्तन कर अफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस में बदल सकते, डिग्री में। लेकिन याद रहे, ये प्रक्रिया केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही होगी। किसमें होगी? पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में होगी। डिग्री किसकी चलती है? एडजेक्टिव या एडवर्ब, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तीन तरह की डिग्री होगी, गुड, बेटर, बेस्ट। एडवर्ब ले लीजिए, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। तो आज हम पीसीएफ बनाना सीखेंगे। गुड मूल अवस्था है एडजेक्टिव या एडवर्ब, और बेटर कंपैरेटिव उच्चतर अवस्था है, और बेटर के बाद कौन सी डिग्री होगी? बेस्ट। ये कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम उच्चतम अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री देखिए, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसको शॉर्ट में हम लोग पीसीएस कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर गुड आया है तो कंपैरेटिव में क्या आएगा? बेटर आएगा, और सुपरलेटिव में क्या आएगा? बेस्ट आएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव की डिग्री। एक हम इसी तरह एडवर्ब ले लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता। एडवर्ब क्या है? जो विशेष तौर पर एडवर्ब वर्ब की विशेषता प्रकट करता। तो इसमें पॉजिटिव में जैसे फास्ट था, तो कंपैरेटिव में बेटा क्या हो जाएगा? फास्टर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट। इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में कैसे सेंटेंस बना होता है? अफर्मेटिव में अलग और निगेटिव में अलग। अफर्मेटिव में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है वो एस एस के बीच में, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब। ओके, कंपैरेटिव डिग्री में हमें ईआर देखने को मिलेगा, कभी कभी आर ई देखने को मिलेगा, और इसके साथ दैन लगा हुआ। ठीक है, ईआर जैसे देखिए, बेटर, फास्टर, हमने कहा कभी कभी आर ई मिले। वो एडजेक्टिव्स जिनके जिनकी डिग्रीज नहीं चलती, जैसे ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ब्यूटी प्लस फुल, जिनमें सफिक्स लगा होता है, एंटली प्लस जेंट,
ऐसे शब्दों की डिग्री नहीं चलती, तो इनको इनकी जब डिग्री चेंज करनी होती हमें तो हम मोर लगाते हैं कमरे, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जब मोर आएगा तो ओ आर ई हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में बच्चों क्या होता है, पहले दा लिखा जाता है और इसके बाद जो डिग्री होती है उसमें ई एस टी लगा हुआ, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग मोस्टली होता है। ठीक है, मोस्टली मैंने कहा कि इसका एक्सेप्शन अपवाद हो सकता है, जैसे ही माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपने माई लगा दी, पजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ तो वहाँ पर दा का प्रयोग साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना, नहीं होता, ये मतलब। अब जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, राम इज एज गुड एज श्याम, इसको कंपरेटिव डिग्री में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, श्याम इज नॉट बेटर देन राम। हमने कैसे चेंज किया, इसका बेटर सुपरलेटिव नहीं बने, ये जो एग्जांपल है ये पॉजिटिव में है, एज एज लगा हुआ देखिए, और कंपरेटिव में देखिए ई आर देन लगा हुआ है, सुपरलेटिव इसका नहीं बनेगा। अब आप बोलेंगे कि क्यों नहीं बनेगा, तो जब तुलना दो वस्तुओं या व्यक्तियों में होती है तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। ये सेंटेंस तो बन गया, लेकिन क्या प्रोसेस किया ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया, कैसे चेंज करते हैं, कैसे यहाँ पर डिग्री बदल करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पूरा टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह समझ में आया। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन की क्लास उसने मिस कर दी है, उनके लिए मैंने ये बेस बताया। अब ये जरूरी है नोट करिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको हम लोग रफ कर देते हैं और इसके बाद हम पॉजिटिव को, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डिग्री को, पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, ठीक है। ये अफर्मेटिव को निगेटिव आप केवल पॉजिटिव को कंपैरेटिव या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल के कर सकते हैं। कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो परिवर्तन फिर नहीं होंगे, कंपैरेटिव से आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस अगर आपको निगेटिव में मिला तो निगेटिव में भी बनेगा, अफर्मेटिव में मिला है तो अफर्मेटिव में ही होगा। तो पॉजिटिव कंपैरेटिव में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रक्रिया क्या करनी, प्रोसेस क्या अपनाना है, इसको सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना, और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में परिवर्तन करना, ओके। आप देखिए दूसरा कार्य क्या करना है, अगर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव मिला है तो वो जो ऐसे डिग्री चेंज करेंगे तो निगेटिव में, और निगेटिव किसमें हो जाएगा, अफर्मेटिव, ओके, ये समझ में आ रही है। तीसरा प्रोसेस जो मेन काम करते हैं, टू चेंज डिग्री, ये तीन चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नोट किया, भावना नोट हो गया, ओके, समझ में आया, कोई डाउट, नो, वेरी गुड।
अब देखिए हम एक एग्जांपल इधर लेकर के आपको बता दें, ठीक है। इसमें लेते हैं हम, समझ में आएगा अच्छी तरह से, करीना इज एज वाइज एज शिल्पा, ठीक। किस डिग्री में मिला सेंटेंस आपको? एज एज लगा हुआ है, इसका मतलब किस में मिला? पॉजिटिव डिग्री। ओके, तो इसको कंपरेटिव में हम चेंज कर दें तो ये निगेटिव में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो शिल्पा आपका सब्जेक्ट बने, शिल्पा इज, हो गया। अब इसके बाद ऊपर देखिए, नॉट नो नेवर का प्रयोग नहीं है, तो यहां पर हमारा नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया भी होगी, अब डिग्री बदलिए तो वाइज का क्या होगा? वाइज देन लगा दीजिए, शिल्पा इज वाइजर देन, अब ये सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया? करीना, शिल्पा इज नॉट वाइजर देन करीना। बच्चों क्या सुपरलेटिव डिग्री में इसे चेंज किया जा सकता है? नहीं चेंज किया जा सकता, क्योंकि तुलना दो व्यक्तियों, इसी तरह दो वस्तुओं में भी हो तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बने। अभी एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोसेस लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बीच में प्रोसेस लिख दिया है, उसको हम कट नहीं कर रहे हैं, कैसे आपको बदलना है इसको, क्योंकि इसी के आधार पर आपको आगे चलना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। इस बार बच्चों हम कंपरेटिव डिग्री में सेंटेंस लेते हैं। अभी तक हमने पर्सन लिया, अब हम प्लेस लेते हैं एग्जाम्पल में, तो सेकंड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, जिसमें कंपरेटिव में हमने कहा कानपुर इज बिगर देन लखनऊ, कानपुर इज बिगर देन लखनऊ, देन लगा हुआ कंपरेटिव डिग्री है, दिख रहा। अब आप इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तभी ये निगेटिव में होगा। प्रोसेस वही करिए, लखनऊ को अब सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट जो अभी पर है उसको यहाँ पर क्या बना? लखनऊ, अब यूपी का भाग, लखनऊ इज, देखिए ऊपर नॉट नहीं लगा हुआ, नॉट लगाना पड़ेगा, लखनऊ इज नॉट, क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं, निगेटिव में ही बनेगा, लखनऊ इज नॉट एज बिग एज कानपुर, ये पॉजिटिव डिग्री, सेंस कुछ भी नहीं बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन है, लखनऊ इज नॉट एज बिग एज, इसमें कोई मिस्टेक है? यस, बता सकते हैं? हाँ, सेंटेंस निगेटिव में है तो ये सो आएगा, क्या आएगा? सो आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आया जाया जाता है और निगेटिव में सो आएगा, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर हम पॉजिटिव को कंपरेटिव और कंपरेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं तो सेंटेंस की काइंड भी बदल जाती है। काइंड कैसे बदलती है? असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, दो रूप होते हैं, दो फॉर्म होते हैं, कौन से है? अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव निगेटिव में डिग्री बदलने से, और निगेटिव अफर्मेटिव निगेटिव में, और निगेटिव जैसे डिग्री बदलेंगे निगेटिव अफर्मेटिव में चेंज हो जाए। ओके, ये रूल आपने अच्छी तरह सीख लिया। आज नेक्स्ट रूल की हम बात करेंगे।
तो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5। इसमें देखेंगे बेटा लिखा होगा एज सून एस, एज सून एस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। इसको जब निगेटिव करना होगा तो आप लगाएंगे नो सूनर डिड, नो सूनर डिड, और डिड लग जाएगा तो इसके बाद बेटा आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा। अब इसको पता है आपको कि इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर बाद में देन लगा होगा, ठीक है ना, और इसके बाद सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होंगे उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अर्थात जो सेंटेंस बनेगा वो इंट्रोगेटिव की तरह बनेगा। एग्जांपल देंगे तभी समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, एज सून एज आई सा आ लायन, एज सून एज आई सा अ लायन आई रैन अवे बेर फियर, ओके। अब इसको आप एज सून एज को नो सूनर डिड में चल, नो सूनर, नो सूनर डिड, सब्जेक्ट क्या आएगा आई। अब सा जब आपने डिड पहले ले लिया तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आई सी आ लॉयन। ये कॉमा जो बटाएंगे तो आप देन लगाएंगे और अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई रैन अवे बेर फियर, ओके। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आप इसको नोट करो। सेकेंड एग्जाम्पल अभी आपको बताते हैं, तब तक आप ये एग्जाम्पल को नोट करेंगे। एज सून एज ही केम टू मी कॉमा इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन। इसको चेंज करिए, एज सून एज ही केम टू मी इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन। बिगेन की स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है राजू? हाँ ध्यान से बैठना, आई नी, इट बिगेन टू रेन। अब इसको चेंज करेंगे, नो सूनर डेड ही केम का क्या हो जाएगा, कम टू मी, कम हटाएंगे देन लगाएंगे, देन नहीं देन, इट बिगेन टू रेन, ओके। अच्छी तरह समझ में आ गया, ओके। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट भी कर लेंगे अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो, ठीक है। इसको अच्छा रुकना है भाई, थोड़ा फास्ट काम करिए, इंटर में है, हाई स्कूल वाली स्पीड मत रखिए, ओके। चलते हैं आज वो भी
तेवर बदल बदल के जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। आपके लिए ही बोला है, आपके लिए ही बोला है, ठीक है ना। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने लो। आपके लिए ही बोला है, हैं? पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। रूल नंबर कौन सा होगा बेटा? 6 होगा। ओके, इसको हम बोलते हैं डबल निगेटिव, डबल निगेटिव। इसको इस तरह, डबल निगेटिव को इस तरह भी कर सकते हैं, डिड नॉट फेल टू। डिड नॉट निगेटिव और फेल टू लगाएंगे या मिस टू लगाएंगे तो वो भी निगेटिव हो जाएगा, तो डबल निगेटिव हो जाता है। तो ये रूल क्या बना आपको? वही पहले रूल पे आप पहुंच जाएंगे। कौन सा? निगेटिव निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है, डबल निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। आपने ये लाइन खींची, ये कर दिया, क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, गुड। अब इधर देखे एग्जाम्पल, ही सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ही सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, इसको हमें निगेटिव करना है। तो क्या करेंगे? डबल निगेटिव का प्रयोग। ही डिड नॉट फेल टू सी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटिव हो गया। ही डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। समझ में आ रहा है? इसको नोट करते चलिए। दे प्लेड क्रिकेट yesterday, yesterday they played cricket yesterday। निगेटिव करिए, they did not fail to play क्या? क्रिकेट। They did not fail to play cricket yesterday. Yesterday. ये जो did है symbolic है। अगर यहाँ पर sentence present में हो जाएगा तो does not या do not लगेगा, ठीक है ना। हर sentence में did not नहीं लगेगा। मॉडल वर्ब में डिड नॉट कैसे लगाओगे? एग्जाम्पल दे, देखिए एक एग्जाम्पल मॉडल वर्ब पर। हमने कहा वी शुड अटेंड द पार्टी, ठीक है। अब इसमें डिड नॉट नहीं लगेगा, क्या बनाओगे? वी शुड Not fail to attend the party,
वी शुड नॉट फेल टू अटेंड द पार्टी. अब यहाँ डिड थोड़ी लगाओ, इसी तरह प्रेजेंट में है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है. ओके, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया. आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा. इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड यू शुड टेल मी एंड आई विल नॉट सेल आई विल ट्राई टू रिमूव द डाउट्स ऑफ योर माइंड. ओके, थैंक्स अ लॉट.